वो भी व्लॉग करे, मैं भी व्लॉग करूं, काफी ज्यादा व्लॉग करे, लेकिन भाई जो भी व्लॉग करे वो किसी दूसरे को पसंद नहीं करता, वाहिद रजब भट्ट है जिसको मैं लाइक करता हूं पर्सनली तौर पे, ठीक है। इसमें लिखा रहा है नो कार फाउंड, क्योंकि आजकल यहाँ पे फोके जैसे लॉकडाउन लग गया ना, तो मुझे शक हो रहा है कि शायद हो सकता है बंद हो। कुछ बोलते सही तेनु की चाहिए। ये देखें आप, सारी मैंने टिकट्स इसमें देखी है, सारी 13 तारीख की भी सारी टिकट्स होल्ड हो गई है। ओ रावी, अच्छा जी, तो फाइनली मैं शॉवर लेकर नहा के आ गया हूँ, बाहर बहुत शोर है बच्चों का, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। तो भाई आज हम जिस पर्सन के पास जा रहे हैं, अल्लाह पाक ने उसको बहुत इज्जत से नवाजा, उसको बहुत तरक्की दी अल्लाह पाक ने, लेकिन उसके पीछे उसके वालिदैन की दुआ है, उसकी एफर्ट है और उसकी मेहनत है। तो भाई थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ हम रजब भट्ट साहब की बात कर रहे हैं। वो भी व्लॉग करे, मैं भी व्लॉग करूँ, काफी ज्यादा व्लॉग करे, लेकिन भाई जो भी व्लॉग करे वो किसी दूसरे को पसंद नहीं करता, वाहिद रजब भट्ट है जिसको मैं लाइक करता हूँ पर्सनली तौर पर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें एड्रेस का बिल्कुल नहीं पता। एक दो वीडियोस मैंने देखी थी उसके घर की, लेकिन भाई कोई बोल रहा है बेरिया टाउन, कोई बोल रहा है बेरिया ऑर्चर्ड, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ एड्रेस है, हमने फैसला किया है कि हमने जाना है बेरिया ऑर्चर्ड में, okay। क्योंकि भाई मैंने मैप पे देखा तो वहां पे वैसे ही जैसे रजब के घर के बाहर पूरे जो फ्लैट टाइप बने हुए ना, क्वार्टर टाइप पता नहीं फ्लैट टाइप, मुझे अंदाजा इतना हो रहा है कि भाई हो सकता है कि वो बेरिया ऑर्चर्ड में ही हो। अभी प्रॉपर एड्रेस हमें नहीं पता, पंखा मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से बंद किया हुआ है कि आपको आवाज क्लियर आए। तो भाई देर नहीं करते निकलते हैं फिर, चलो जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने जाना कहा है बेरिया जी, तो गाड़ी हमें नहीं मिल रही, गाड़ी जैसी मिल जाती है तो चलते हैं, अभी सर्चिंग पे ही है। इसमें लिखा रहा है नो कार फाउंड, गजब बेइज्जती है। अच्छा जी, जाना था रजब के पास, लेकिन भाई कोई ऐसी गाड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे संडे के दिन सब कुछ होता है बंद, ठीक है। 4 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि भाई अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है और फोग भी पड़ रही है। तो भाई साहब अभी ऐसा है कि 4 बजे का टाइम हो गया, रजब के पास तो नहीं जा सकेंगे आज, कल जाएंगे अगर टाइम मिला तो। बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, तुमको यार कहीं से घुमा के लेके आते हैं, लाहौर जू में चले जाते हैं, तो लाहौर जू के लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। लोकेशन सही है बिल्कुल, आप आ जाए, जल्दी आ जाए, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे हमारे पास पहुंचने में। तो भाई रजब के घर के लिए तो गाड़ी कोई नहीं थी, जू के लिए गाड़ी है बेशुमार। बहुत सुस्त ड्राइवर है कोई, ये देखे इधर ही खड़ा हुआ है, 10 मिनट हो गए, एप्लीकेशन पे तो 1 मिनट आ रहा था लेकिन इस पे 10 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया यार। इनके जैसे ये तैयार होकर बैठे हुए, ये हो गया, वो हो गया और छोटा हो गया, तो इनके जैसे हम जा रहे हैं, मतलब हमने जाना ही नहीं था आज। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, फॉग पड़ने लगी है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, ये देखे आप। A few inches later. अच्छा जी, जाते हैं जू, जू जाके फिर आपसे मिलते हैं। भाई खुला होगा जू, खुला होगा भाई जान, जू खुला होगा। अच्छा, क्योंकि आजकल यहाँ पे फोके जैसे लॉकडाउन लग गया ना, तो मुझे शक हो रहा है कि शायद हो सकता है बंद हो, पता नहीं भाई, लेकिन देख लेते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो लाहौर जू में हम पहुंच गए हैं, ठीक है, 700 मीटर की दूरी पे अभी, और यहाँ पे सिग्नल पे रुके हैं, जैसे ही खुल गया सिग्नल तो अभी चलते हैं, क्या चिड़ियाघर के अंदर मिलते हैं। अच्छा जी, अभी हम उतरने लगे थे तो यही लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लें, लाहौर चिड़ियाघर आरजी तौर पे बंद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से भाई? जू खुला है भाई जी, 20 तारीख को खुलेगा। पहले रजब के पास जाना था, गाड़ी नहीं मिली थी, जू की गाड़ी मिली है, तो भाई जू बंद है जी। तो हमने इसी गाड़ी में वापसी जाना था, लेकिन भाई ने अपनी राइड दूसरी पकड़ ली, जैसे जैसे हमने गाड़ी से उतरना पड़ा, अभी आगे जाते हैं, आगे जाकर से वापस मिलते। जिना पार्क में पहुंच गए। अरे भाई इधर भी देखो, स्मोक की वजह से पार्क आरजी तौर पर कुछ दिनों के लिए बंद है भाई। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वहाँ जा रहे थे वो चिड़ियाघर भी बंद, जिना पार्क है इसके बराबर में, ये भी बंद। स्मोक आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं वाइट वाइट, ठीक है, ये है स्मोक, ये बड़ी खतरनाक होती है भाई वुमेन्स के लिए, इंसान के लिए। बात तो सही है, 400 में तो गाड़ी में आए इसी अली में भाई, 300 ले ले, चलो यार। A few inches later. वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अच्छा जी, अभी घर आए तो साली ने फरमाइश की है, फरमाइश क्या की जी, ये अलमारी जो है ये आपने ऊपर लेके जानी है। अब मैं ना कोई पहलवान का बच्चा कोई, मेरे को देखो कम कराया जा रहा है, मजाक कर रहा हूँ, हल्की सी अलमारी है, ऊपर ले जाएंगे, मसला ही है, ठीक है। ये अलमारी है, एक वहाँ पे अंदर अलमारी रखी है, इसको खोल यार, खोल इसको अंदर से दिखाएं यार, हमारे उधर से जो अलमारी मिलती है ना उस पर ये जो चीज है ये नहीं होती, ये तो उतारो इसकी यार, मैं उतारता हूँ। अरे ये देखें जी, ऐसे फील आ रहा है जैसे जीवे गन से हम पन्नी उतार रहे हैं। ये देखें क्या पका रही है जी, हाय 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 हाय, आज फिर मछली, ओए ओए हाय,
खत्म। फाइनली हम रजब भट्ट से मिलके आए। सारी ना बिन्ने पाई उस्ताद, सारी ना बिन्ने पाई। मैं सही बोल रहा हूँ ना? देखिए इसकी बहन बोली, अंकल आप मेरे साथ ज्यादा करें, अंकल आप मुझे नहीं लेके जा रहे। हाँ बोलो, धोखा करे मेरे साथ। मैं बोल तेरे नाल केड़ा धोखा मैं करना है, तो कुड़ी है तेरा धोखा करना है मैं। अच्छा जी, तो टिकट आज हमने करवा लेनी है, ठीक है? अगर हमें मौका मिला तो रजब भाई से जरूर मिलेंगे। अच्छा, इसका मैंने आपको नहीं बताया, इस्लामाबाद गया है, ठीक है? वहां पे ये एक रात रह के वापसी आ गया, बोलता है पुलिस वाले पकड़ लिया था। कहाँ जा रहे हो आप? हुआ क्या था? अपनी आप जुबानी बताएं। क्यों कुछ बोलते सही, तेनू की चाहिदा है? दसते सही, बोलते सही। तू अपनी आवाज से सुना, कितनी प्यारी तेरी आवाज है यार। है मेरा गला भी खराब था ना, मैं बोल बोल के अपना गला खोल देता है, ठीक है? और तू भी खोल गला। ओके, इसका गला इतना खराब है ये बोलने के बिल्कुल काबिल नहीं है। इसकी आवाज सुन के आप डर जाएंगे। सुबह का नाश्ता किया तो आपको शर्म आनी चाहिए ना, आपने कुछ नहीं खिलाया हमें। अरे कहना क्या चाहते हो? शर्म आए था नू भाई। साली मेरी नाराज हो गई है कि तूने ऐसा क्यों बोला। बाकी अल्लाह की कसम यार, जब भी हम यहाँ पे आए ना, साली ने बहुत इज्जत से नवाजा है, लेकिन इस बार जो है ना, साली ने धोखे में रखा है। मैं धोखे में कैसे रखा है? बोलती है कि आपको मैं लेके जाऊंगी उधर फोर्ट स्ट्रीट, दो दिन हुए, उसके बाद बोलती है कि जी मुझे पता नहीं कौन सा है। चले अभी गया, लगाऊंगा किराया, मैं मेरे लगाना ही किराया तुम्हारे को फड़ के। अच्छा सारी बात सुनो, बात सुनो। ओ हो बात सुनो, अभी हमने मछली के साथ रोटी खानी है, ठीक है? उस तो बात उसकी नहीं, तो मैंने नहीं लेके जाना बाहर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ यार वो धमकी दंदी पे यूं नहीं मारू खाना है, ओए ओए मर गए उस्ताद। अच्छा जी, तो जीजे की बनाई है मछली और जीजर भी खा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मछली खा ली है, हाथ बर्द होते हैं फिर पड़ जाते हैं। सुने मेरी बात सुने, कावा बनाने, कावा पी के उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर ऊपर छोड़ जाते। अच्छा जी, अभी मैं जा रहा था रात की रोटी लेने, ठीक है? तो इन्होंने रोक लिया है, साली ने बोली कावा वगैरह पी के फिर जाओ। तो कावा पका रही है जी, ठीक है? क्योंकि मछली खाई थी तो वो सारी मछली ना यहाँ पे अड़ जाती है। बहुत तेज हो रहे है। साइड पे हो यार, तुम्हें पता है जिस तरह मैं बैठता हूँ ना, इस तरह बैठ भी तो आधा अल्लाह हाफिज़ कह के जाएगा। एक दिन ब्लॉगिंग ऐसी नहीं होती, ये बच्चा ना खेल नहीं होता, इसमें बेड टूटने, सोफे टूटने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यह ट्रिप इनका जो है ना वो सही नहीं हुआ। जिस तरह आज हमारे साथ सीन हुआ है ना, ये फोक ने सबके साथ फोक सीन कर रही है। फोक की जैसे हम रजब के घर भी नहीं जा पाए, ठीक है? फोक की जैसे हम चिड़िया घर भी नहीं जा पाए, बराबर में इकबाल पार्क था वहां पे भी नहीं जा पाए। अच्छा जी, चाय आ गई है। ओ कावा कावा, सॉरी कौन सा है? ये वाला है ना। अच्छा जी, कावे में भी देखे कंजूसी, आधा कप। अच्छा जी, अच्छा लेमन में एक सामान की खुशबू आ रही है। सब यार उस्ताद, ये अंदर को धोएगा। अच्छा जी, तो निकल आए इनके लिए खाना वगैरह लेने, खाना वगैरह लेकर उसके बाद घर जाते हैं, घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। पांच चपाती दे दो, पांच पांच चपाती। तो ये रही वो मोमोज की शॉप जहाँ से मोमोज लेने। तो बेटा आप लोग ले लो मोमोज, ले लो। ये मोमोज बनते कैसे हैं ये जो बना रहे हो यार? आपको खुद नहीं पता यार, बेच रहे हो आपको पता ही नहीं है यार। अच्छा ये नीचे गर्म पानी लगाया हुआ है इसके नीचे, बस उस गर्म पानी की भाप में पकता है, ये स्टीम में पकता है। अच्छा A few inches later. अच्छा जी, तो अभी टिकट कराने लगे हैं, ठीक? तो काफी दिन हमने रह लिया, काफी दिन इनको भी हमने तंग कर लिया, फाइनली अपने शहर में जाने का टाइम आ गया है। एप्लीकेशन खोल लेते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन खोल के यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर, ऊपर ही आ गया, उसके बाद हैदराबाद, ये हैदराबाद। डेट इसमें लगा देते हैं 11, ठीक है? 11 तारीख की डेट में शालीमार में देखते हैं, इकोनॉमी में जाके सोल्ड आउट। यार इशू ये हो गया है कि इकोनॉमी में टिकट तो शो हो रही है, लेकिन ये देखें सारी बर्थें जो है वो सोल्ड हो गई हैं, बाकी सीटें रह गई हैं, सीटें भी कौड़ी बहुत रही हैं। ये देखें आप, सारी मैंने टिकट्स इसमें देखी हैं, सारी 13 तारीख की भी सारी टिकट सोल्ड हो गई हैं, ठीक है? ये मैंने तीन टिकटें, चार टिकटें, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये चारों मैंने बुक कर ली हैं। अगर अभी भी इनको पेमेंट नहीं करूंगा अभी, तो ये भी सोल्ड हो जाएंगी। तो जल्दी से पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो फाइनली हमारी टिकट्स जो हैं वो 13 तारीख की हो गई है। अच्छा 13 तारीख, तब रात को हमने 12 तारीख की रात को सो के 13 तारीख को हमने 5 बजे निकल जाना है यहाँ से, ठीक है? क्यों बताया है बार बार के एरिया ना सोचोगे, हमने शाम को निकलना है, तेरा जब मर्जी जाओ ना जाओ, मुझे कोई टेंशन है। बहुत तेज हो रहा है। एक बात नोट करने की, साली साहिबा गौर से सुने,
हमारी टिकट की बात सुन के सारी के मुंह खुल गया है भाई। प्यारी समझ गई। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वो बेचारी को ऐसे इंक्वायर करता हूँ, ऐसी कोई गल नहीं है। मैं खुद को भी अगर इनकी जगह पे रख के सोचू ना, तो यार प्राइवेसी भी एक चीज होती है, ठीक है, बच्चे हैं, मियां है, और लाजमी हम भी कोई वेले नहीं है, हमें भी उतने कम है यार, सो कम है इंसान हो यार। मेरे उधर पार्सल्स मैंने डिलीवर कराने, मेरे ऑर्डर लगे हुए, जो वहां पे जाके मैंने काम निपेड़ने, ऐसे थोड़ी होता है यार। बात तो सही है। तो भाई टिकट्स हो गई है, 13 तारीख को निकलते हैं, लेकिन उससे पहले अभी रोटी खाते, रोटी खाते फिर आते हैं। मजा आया। अच्छा जी, रसमलाई खाने लगे हैं, ठीक है। मरियम बेटा लाइए ना। हेलो भाई, मैं लाई। हेलो भाई, तो कोई भी नहीं लाया, तुम्हारा अब्बा लेके आया। अच्छा जी, मैं आ गया ऊपर, कपड़े मेले हो जाएंगे। ये देखो यार, यहाँ पे दाग वाग लग गए, तो ठीक है, तो भाई कपड़े चेंज कर लेते हैं। A few inches later. अच्छा जी, तो कपड़े वगैरह चेंज करके आ गया हूँ, अभी रात का टाइम हुआ है, ठीक है। कौन सी खेलनी है गेम? कुशन वाली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो हम क्वेश्चन एक दूसरे का फेंकेंगे, जिस पे भी क्वेश्चन आया वो गाना गाएगा। नहीं, गाना रुक जाएगा, जिसके आगे क्वेश्चन गाना रुक गया तो उसकी बारी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। चलो जी चलो जी चलो जी। अबे ले भाई जी, रुकने वार्निंग है तुम्हें, ठीक है। अगर तुमने अब तकिया किसी और को पकड़ाया तो निकल जाएगा गेम से, ठीक है। गले भाई, गले। पेड़े बिरयानी का दुख लेगी यार, तू इधर केली कुशन कुशन, तू पड़ी है सूरता जनाजा पड़ा रही है। जनाजा हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साले। चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ, गाना सुनाओ। अच्छा जी, गेम में ट्विस्ट आ गया है, तो हमजा भी आ गया है, हमजा भी अभी हमारे साथ गेम खेलेगा। आजा आजा, आए आए। चलो शायरी बताओ, शायरी बोल दो। दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा, फिरो क्यों दिल में है जो नसीब में लगी। चौड़ा सीगा तो आए गुजार का, यही काम कर ले उस्ताद। बुलबुल, हाँ बुलबुल के पास है। दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए, अखियां सजाई मैंने तेरे लिए, कुछ भी नहीं रहा है। बोलो तू दफा हो जा, चुप कर बे कुत्ते। ये ले, मेरी जगह थे हमजा। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है तेरा। कहते हैं आस पास के लोगों पर नजर आए, आज भूल गया बस खत्म। कौन सा था? खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो इस ख्वाहिश में सर्दी की रातों में हम दोनों तनहा हूँ, ना कोई भी रहे इस घर में, जरा मजा आ गया। अच्छा साल बाय बाय टाटा गुड बाय गया। नहीं 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 नहीं, व्लॉग में रिकॉर्ड होगा, व्लॉग में रिकॉर्ड होगा यार, ऐसे नहीं होगा, व्लॉग में रिकॉर्ड होगा। तू जो छूने
प्यार से प्यार यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हुए ना, सबसे ज्यादा आवाज मुझे इनकी पसंद है, एक मेरी वाइफ की, एक इनकी, बाकी सारे इधर बेसुरे बैठे हैं। यार सना, तू भी अपना आवाज सुना रहा यार, है तुम्हारे तुम्हारे पास आएगा नहीं, इससे पहले इसकी चवल बारी है, तू गाना सुना इसका, तुम्हारे आएगा तो। अच्छा आप सुनाए, आपका नंबर है, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह आपको जन्नत में जगह देगा। वाह क्या सीन है। चले जो छूने प्यार से आराम से मर जाओ, प्यारी समझ गई। मैंने दे दिया था। अरे यार मेरा गला खराब है, क्या सुनाऊं यार, मैं सोच रहा हूँ मैं गाना कौन सा सुनाऊं। काश ये दिल टूटा ना होता, काश ये दिल टूटा ना होता, मुझे कौन सा आता है आप सुना दो, जैसा पाते क्या यार, मैंने तो पाप फूल वाला जे तो कदी रवि लग जावे, हयाती पजरा भी लंग जावे, मैं दुनिया हजार तोड़ना, मैं पानी में चो सारे छोड़ो रवि। अरे कहना क्या चाहते हो, मेरी आवाज सुनने के बाद एक जादू हो गया, ये देखें, 1 2 3 ओए मैया, ओए सारे गायब हो गए भी, ओए ओए मैं गाना गाता सारे चले गए यार, इतना अच्छा गाना सी मेरा। चुप कर बे कुत्ते, उस वाला व्लॉग देखा ना फिर तूने? नहीं यार मेरे पास, अबे बड़ा लेवल का व्लॉग था यार, कसम खुदा की देखते तो सही तुम। क्या से बड़ी मुश्किल से आई है यार, चाय आ गई है जी, नहीं चाय पियो, ओए हाय हाय, बड़ी स्ट्रांग चाय बनाई है उस्ताद, बड़ी स्ट्रांग चाय है यार। अच्छा जी भाई साहब, तो अभी हुआ है रात का टाइम, भूख काफी ज्यादा लग रही है, हमजा को मैंने फोन किया कि हमजा एक कोल्ड ड्रिंक और दो जिंगर ला दो। A few inches later, वो हमजा आ गया, ठीक है सामने आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ बर्गर, आया 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 आया, तो भाई इसी के साथ ब्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर इसे लगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल मेरे तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं किसी और से ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा, अपने ढेर सारे ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह के बहान अल्लाह।